नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। दक्षिण एशिया में किसकी हुकूमत चलेगी और कौन आगे बढ़ेगा, इसी को लेकर चीन और भारत आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने और एक दूसरे को हराने की जुगत लगाए रहते हैं। चीन की विस्तारवादी राजनीति के चलते कई देश चीन के पाले से निकल गए और राजनीतिक विश्लेषक और विदेशी मामलों के जानकारों का मानना है कि चीन जहां जाता है वहां कब्जा करने की कोशिश करता है। इसी वजह से चीन के पाले से चीन के कई दोस्त भाग खड़े हुए। कहा जा रहा है कि श्रीलंका में नई सरकार चीनी समर्थक नेता की, लेकिन राष्ट्रपति गोटबाया ने शपथ लेते ही चीन को हिंट दे दिया कि चीनी चाल श्रीलंका में नहीं चलेगी और श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोटबाया भारत के पहले ऑफिशियल दौरे पर पहुंच गए। ऐसे में एक सवाल हवा में तैरने लगा है कि क्या श्रीलंका अपना बंदरगाह हम्बनटोटा को चीन से छीन लेगा। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि चीन को श्रीलंका चोट देगा। आपको मालूम होगा कि श्रीलंका ने 2017 में 90 साल के लिए हम्बनटोटा बंदरगाह लीज पर चीन को दे दिया था। इसके बदले चीन ने श्रीलंका को $1.4 बिलियन दिए थे, लेकिन श्रीलंका में राजपक्षे परिवार ने उस वक्त भी इस डील का विरोध किया था और इस बार जब गोटबाया राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे तो भी हम्बनटोटा एक चुनावी मुद्दा था। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद गोटबाया ने ये साफ तौर पर क्लियर कर दिया कि श्रीलंका और चीन के बीच हम्बनटोटा डील गलत है। डील 5 साल 10 साल के लिए होती है, 90 साल के लिए नहीं होती, इसीलिए चीन के साथ हम्बनटोटा बंदरगाह की डील गलत है। वही कई राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि हम्बनटोटा से चीन को निकालना भारत की एक कूटनीतिक कामयाबी है और चीन का श्रीलंका से भागना बड़ी कामयाबी। यहाँ पर एक बात बताते चलें कि जैसे ही गोटबाया राष्ट्रपति चुने गए ठीक वैसे ही दिल्ली ने उनको बधाई दी और अपने एक दूत को श्रीलंका भेजा। उसके बाद ही गोटबाया भारत आने के लिए राजी हुए। वहीं एक बात बता दें कि एक भाई चीनी समर्थक तो दूसरा इस डील का विरोधी। विरोध करने वाला भाई राष्ट्रपति बना है तो चीन का समर्थन करने वाला भाई प्रधानमंत्री। मतलब ये कि महिंद्रा राजपक्षे हम्बनटोटा के समर्थक है तो छोटे भाई गोटबाया राजपक्षे हम्बनटोटा डील के विरोध में खड़े। हम्बनटोटा पर क्या होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन चीन की इसी साम्राज्यवादी नीति का विरोध कई देश पहले ही कर चुके हैं। इसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, मालदीव, नेपाल और पाकिस्तान शामिल है। लेकिन जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि श्रीलंका मोल भाव तो करेगा लेकिन चीनी कर्ज से दबा भी है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन एक बात तय है कि दक्षिण एशिया के सभी देश चीन की चाल को जानते हैं और चीन की जाल से बचना चाहते हैं। ये भी भारत की एक रणनीतिक जीत है। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल तो चीन को थोड़ी खुशी थोड़ा गम वाली फीलिंग हम्बनटोटा पर हो रही होगी।